तस्वीरें हरियाणा के यमुनानगर की हैं, जहां गेस्ट टीचर्स का सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। अपने प्रदर्शन के दौरान नए साल पर एक बुजुर्ग टीचर ने पानी की टंकी पर चढ़कर जान देने की कोशिश की है। गेस्ट टीचर्स ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और कहा कि आज सरकार गेस्ट टीचरों से किए अपने वादे से मुकर रही है। पानी की टंकी पर चढ़े गेस्ट को करीब 4 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। टंकी से उतरे गेस्ट टीचर राजकुमार और हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के महासचिव पारस शर्मा ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा वो सुनो। टंकी पर सर मैं इसलिए चढ़ा था क्योंकि सरकार हमारी बात के नहीं मान रही, बार बार वादा करने के बाद भी, और मेरी 17 साल की नौकरी करने के बाद मैं खन लिया था घर जाऊँगा, जबकि जो दूसरे पक्के मास्टर हैं वो चढ़े चढ़े 4-4 लाख लेकर घर जाएंगे। बताओ क्या हम बच्चों को नहीं पढ़ाते? तो क्या ऐसे कोई हल था आपका टंकी पर चढ़ना, जान देने की कोशिश करना? सरकार ने हमारे पास दूसरा कोई विकल्प छोड़ ही नहीं, बार बार बात करती है, अपनी बात से मुकर जाती है। जी, राजकुमार नाम का गेस्ट टीचर टंकी पे चढ़ गया था, उसको सक्सेसफुली नीचे उतार दिया गया। तो सर कोई कार्रवाई भी बनती है इसमें? जिसमें फिलहाल तो वो कई घंटे से ऊपर था, तो ऊपर पानी भी नहीं था और मुझे लगता है हो सकता उसने किया और ना किया हो, तो ब्लड ग्लूकोज उसका चेक कर लिया जाएगा, इसलिए मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया। क्या वजह है सर जो ऊपर चढ़ा था वो? उसकी कुछ मांगे थी जो शायद इनकी कार्यकारिणी में आपस में सहमति नहीं बनी थी, उसके विरोध में वो यहाँ पे आ गया था। हम कल से इनके टच में हैं, वैसे इनकी जो भी मांगे हैं उन पे हमने इनके साथ कल लंबी चर्चा की। तो सर नीचे किसने उतारा उसको? नीचे किसने उतारा? नीचे वो हमारी अपनी टीम की प्रशासन। SDM सुशील कुमार ने बताया कि हमारी टीम ने उसे नीचे उतारा है और मेडिकल को ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि हम गेस्ट टीचर्स की मांगों को लेकर उनसे संपर्क में हैं। मेडिकल चेकअप की आवश्यकता है, तो जो एजुकेशन का अधिकारी है उनकी आवश्यकता है, एजुकेशन मिनिस्टर का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। जो बार बार घोषणा करते हैं और बार बार घोषणा करके पलट जाते हैं, मेडिकल चेकअप को राजकुमार कालीरमन की जरूरत नहीं है। राजकुमार कालीरमन को जबरदस्ती ऊपर से लाया गया है और उनके कोई पड़ोसा गांव का ही है भाई, नहीं हमें बाद में पता लगा, और वो पुलिस में ही है। अच्छा। ये पता लगा है पुलिस प्रशासन में है वो, और वे गांव का है, और उसने भाई बताकर हमें धोखा दिया। क्या गिरफ्तार कर लिया? क्या नीचा कर ले? नीचा कर ले। पुलिस प्रशासन ने बताया है, उसने ये बताया है कि मेडिकल चेकअप के लिए राजकुमार कालीरमन को ले जाया जा रहा है, जबकि मेडिकली वो बिल्कुल सही है। यदि मेडिकली खराब होते तो स्कूलों में शिक्षा कैसे दे रहे हैं, कैसे 17 साल से पढ़ा रहे हैं? मेडिकल में जाने के लिए तो आपने हमें मजबूर किया हुआ है। हम तनाव से ग्रस्त हैं, हम 17 साल काम करने के बाद खाली हाथ घर लौटते हैं, हमें कोई भी सुविधा किसी तरह की नहीं मिल रही। हम राजकुमार कालीरमन को खुद ले जाके धरने पर समझाना चाहते थे कि इस तरह का रास्ता अपनाना ठीक नहीं है, जबकि मेडिकल चेकअप करके सरकार काउंसलिंग करके ये सिद्ध करना चाहती है कि ये मेडिकल रूप से पागल है और ये इस तरह की हरकत गलत की है। 15 सितंबर 2022 को रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, वो इस बात को लेकर सदमे में है, परेशान है कि उन्हें रिटायरमेंट पर खाली हाथ लेकर गया। कौन लेके गया? पुलिस प्रशासन लेके गया है। कहाँ लेके गए? ये मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गए, ये बताया गया हमें, कहाँ ले गए हमें नहीं पता। आपकी क्या मांग? अभी अगला क्या कदम होगा आपका? अगला कदम ये होगा, कल महारैली है, पूरे हरियाणा से गेस्ट टीचर को आमंत्रित किया गया है, और बैरिकेड तोड़कर हम शिक्षा मंत्री घर की तरफ पड़ेंगे, और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर हम बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। भले ही प्रशासन गेस्ट टीचर्स की मांगों को लेकर उनसे संपर्क की बात कह रहा है, लेकिन वहीं पानी की टंकी पर चढ़े गेस्ट टीचर राजकुमार का कहना है कि उसकी 17 वर्ष की सर्विस हो चुकी है, 9 महीने बाद वो रिटायर्ड होने वाला है, जबकि बाकी अध्यापकों को रिटायरमेंट के बाद 40 से 50 लाख मिलेंगे, लेकिन वो खाली हाथ जाएगा। गौरतलब ये भी है कि सरकारी विभाग में पेंशन की नीतियों में बदलाव हुआ है, जिसके तहत सरकार ने पेंशन को कुछ नियमों के तहत खत्म किया है, और अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारी पेंशन बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बता दें कि यमुनानगर में गेस्ट टीचर्स आज महारैली करने जा रहे हैं, जहां आज फिर गेस्ट टीचर्स शिक्षा मंत्री की कोठी पर उनका घेराव करेंगे। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।